नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और आप खबरें विस्तार से। ग्वालियर के जिवाजी यूनिवर्सिटी में हुए पीएचडी फर्जीवाड़े मामले की जांच के लिए न्यायमूर्ति डीके पालीवाल की अध्यक्षता में सोमवार को शिकायत कार्यकर्ताओं और पीएचडी करने वालों के बयान दर्ज हुए, लेकिन जाँच आयोग के सामने अनिल शर्मा नामक वकील के शोध करने पर भी जाँच की मांग की गई। जबकि छात्र संगठन NSUI ने विश्वविद्यालय में 2011 से 2018 तक हुई अनियमितताओं और नियम विरुद्ध तरीके से 7 लोगों को दी गई पीएचडी की शिकायत आयोग को की है। गौरतलब है कि ललित खरे नामक एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें 7 कश्मीरी छात्रों और भोपाल में पदस्थ आदिम जाति कल्याण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह भंडारी के नियम विरुद्ध तरीके से पीएचडी करने की बात कही गई थी। मार्च में इस मामले में हाईकोर्ट ने एक जांच आयोग का गठन कर 1 महीने के भीतर पीएचडी की सभी शिकायतों की जांच कर रिपोर्ट तलब की है। इसके लिए रिटायर्ड जज डीके पालीवाल को कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। कमीशन ने सोमवार को जिवाजी विश्वविद्यालय में शिकायत कर पीएचडी करने वाले लोगों और साक्ष्य देने वाले लोगों के बयान दर्ज किए और उनके कागजात भी लिए हैं। एसके शर्मा नामक एक व्यक्ति ने बताया कि जिस व्यक्ति की शिकायत पर जांच आयोग का गठन हुआ है, अनिल शर्मा नामक उस व्यक्ति ने भी 2011 से लेकर 2014 के बीच नियम विरुद्ध तरीके से जिवाजी विश्वविद्यालय से पीएचडी की है। उसने ना तो 200 दिन का उपस्थिति पत्रक पेश किया है और ना ही कोर्स वर्क पूरा किया है। इसी तरह छात्र संगठन NSUI ने विश्वविद्यालय किस तरह से पिछले 7 सालों से लोगों और चयितों को पीएचडी की उपाधि बांट रहा है, इसकी सिलसिलेवार शिकायत जांच आयोग से की है। आयोग ने सभी दस्तावेजों को परीक्षण के लिए अपने कब्जे में ले लिए हैं। गौरतलब है कि जांच आयोग को इसी महीने के अंत तक हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। इससे पहले विश्वविद्यालय नौकरी पर रहते हुए 7 कश्मीरी छात्रों को पीएचडी को खुद ही निरस्त कर चुका है। उन्होंने भी नियम विरुद्ध तरीके से विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। किस तरह की शिकायत है आपकी? ये मेरी है अनिल शर्मा, जो जिन्होंने शिकायत करी यहाँ पे, जिनकी शिकायत पे यह आयोग बना है, ये जांच आयोग बना था, उनकी मैं शिकायत करने आया हूँ। उन्होंने भी पीएचडी करी है, 2011 से लेकर 13 के बीच में उन्होंने पीएचडी करी है। माधव कॉलेज से उन्होंने पीएचडी का फॉर्म भरा था। माधव कॉलेज में हमने जब ITI लगाई उस पर, तो उनके द्वारा एक जांच एक लेटर जो उत्तर आया उसका कि सिर्फ इनके पीएचडी में सिर्फ आवेदन पत्र ही हमारे पास है, और इसके अलावा अनिल शर्मा का 200 दिन का ना तो कोई उपस्थिति पत्रक है उनके पास में, ना ही उनका 6 महीने का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी नहीं है उनका, और इसके अलावा उनके किसी प्रकार के कोई भी इनके दस्तावेज नहीं है। तो जिस दस्तावेज में अनिल शर्मा ने शिकायत करी है, देखिए, अरे आवेदन देखिए, हाँ, जिन दस्तावेज में अनिल शर्मा ने डॉक्टर सुरेंद्र सिंह भंडारी की शिकायत करी, उन्हीं दस्तावेजों के उन्हीं बिंदुओं की शिकायत पर मैंने माननीय न्यायमूर्ति महोदय से निवेदन किया है कि जिन बिंदुओं पर सुरेंद्र सिंह भंडारी की शिकायत की गई है, उन्हीं बिंदुओं की जांच अनिल शर्मा के पीएचडी केस में की जाए। विश्वविद्यालय में जितने लोगों की शिकायत की जाए उतनी कम है। यहाँ पर नीचे से लेकर ऊपर तक सारे कर्मचारी भ्रष्ट हैं। पहले 2016-17 की एक शिकायत है, जिसमें DC तिवारी द्वारा सारे नियमों को ताक पे रखते हुए सब कुछ उन्होंने एग्जाम हेल कराया, कोई उन्होंने DRC की जो कमेटी होती है ना वो गठित कराई, सारे पेपर उन्होंने हेल कराया, उन्होंने एग्जाम कराया, उन्होंने रिजल्ट घोषित कर दिया। इसमें कोई मेरिट के आधार पर नहीं, सब अपने मन से किया। दूसरा मैं कहानी है 2017-18 की, जिसमें वैकेंट सीट थी 286 और इन्होंने एडमिशन दिए 368 लोगों के। आप एडमिशन जगह निकालते हो 268 लोगों की और एडमिशन करते हो 386 का, मतलब आप 100 सीटों के आसपास का ये हेर फेर। फिर 2017-18 में RAC द्वारा एक कमेटी बनती है, उसके द्वारा गाइड नियुक्त होते हैं, जिन जबकि ऐसा इस बार इन्होंने नियम को ताक पर रखते हुए कोई भी बिना RAC के और बिना RDC के इन्होंने गाइड बना दिए, जो मतलब पूरा ऑर्डिनेंस के खिलाफ। गर्मी जैसे जैसे अपने तेवर दिखाती जा रही है, वैसे वैसे शहर में आगजनी की घटनाओं में इजाफा होता जा रहा है। सोमवार को ग्वालियर ग्रामीण के सिविल एयरपोर्ट से शनिचरा मार्ग पर स्थित 3 गांव में खड़ी फसल में आग लगने से यहां लाखों का नुकसान हो गया। बताया गया है कि यहां सबसे पहले पंडित कापुरा में आगजनी की यह घटना हुई, जिसके बाद हवा चलने पर आग कुगरपुर और फिर चक्रायपुर तक पहुंच गई। वहीं आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड का अमला भी मौके पर पहुंच गया और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया।
ग्वालियर पूर्व से विधायक मुन्नालाल गोयल ने भी प्रशासन से आग बुझाने के जल्द से जल्द प्रबंध करने पर बात की है। कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा प्रदेश के 50,000 से अधिक कंपनियों को केवाईसी जमा करने के लिए 25 अप्रैल तक की तिथि देने और नियत तिथि तक केवाईसी न होने पर ₹10,000 की पेनल्टी लगाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में कैट से जुड़े व्यापारियों ने सोमवार को जयेंद्रगंज स्थित कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर यहां अधिकारियों को ज्ञापन दिया। इसके साथ ही देश के वित्त मंत्री को भी इस संबंध में पत्र लिखा है और छोटे एवं मझले व्यापारियों पर किसी तरह का टैक्स न लगाने की मांग की है। लगभग 50,000 कंपनियों का जो केवाईसी हो रहा है उसकी अंतिम तिथि 25 अप्रैल है और न होने पर ₹10,000 की पेनल्टी आरोपित की गई है। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि देश की आज़ादी के बाद पहली बार केवाईसी की प्रक्रिया प्राइवेट एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में आई है। इसके लिए समय बहुत कम है। गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ख़राब है। डिजिटल इसकी प्रक्रिया अव्यवहारिक है, इसलिए इसकी तिथि बढ़ाई जाए और इसके अंदर जो ₹10,000 की पेनल्टी है वो अव्यवहारिक है, उसे समाप्त किया जाए एवं छोटी कंपनियों को किसी भी प्रकार की पेनल्टी से बाहर रखा जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री एवं कंपनी मामलों के मंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी को एवं राज्य मंत्री आदरणीय पीपी चौधरी साहब को पत्र भेजकर मांग की है और हम इसके बारे में आज ज्ञापन दे के जा रहे हैं। और अगर ये 25 तारीख नहीं बढ़ी तो 25 तारीख के बाद हम लोग आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश के 50,000 व्यापारी जो कि हमारी प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ हैं उन्हें बचाने के लिए काम करेंगे। लोकसभा चुनावों के लिए ग्वालियर संसदीय सीट पर नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी अभी मतदाताओं ने चुप्पी साध रखी है और किसी भी एक तरफ लहर का असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालत यह है कि शहरी क्षेत्र में भी पिछली बार जैसी एक तरफा लहर देखने को नहीं मिल रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतदाता पूरी तरह तटस्थ दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार जो भी प्रत्याशी ग्रामीण क्षेत्र में अपनी बढ़त बना लेगा जीत उसी की होगी। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से इस बार कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में 3 चुनाव लड़कर काफी कम मतों से जीत से दूर रहे अशोक सिंह पर दाव खेला है, जबकि भाजपा ने ग्वालियर के वर्तमान मेयर विवेक सेजवलकर को मैदान में उतारा है। शहरी क्षेत्र में भाजपा के पूर्व के आंकड़ों को देखकर सेजवलकर को मजबूत उम्मीदवार बताया जा रहा था, लेकिन इस बार मतदाताओं की खामोशी ने उनकी भी नींद उड़ा रखी है क्योंकि पिछली बार की तरह एक तरफ लहर का असर देखने को नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं से सीधे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। ऐसे में पूरा दामोदर संगठन पर होगा। वहीं पिछले चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों से बढ़त बनाकर आए कांग्रेस के अशोक सिंह को शहरी क्षेत्र में मात मिली थी, इसके चलते इस बार उन्होंने ग्रामीण अंचल के साथ ही शहर में भी अपना पूरा फोकस कर रखा है जिससे मतदाताओं का रुझान अपने पक्ष में किया जा सके। हालांकि शहरी क्षेत्र में अलग अलग खेमों में बटी कांग्रेस को एक करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल का काम होगा, लेकिन अगर वे इसमें सफल होते हैं तो उनके लिए जीत का रास्ता आसान हो सकता है। विगत 4 रोज पहले आंधी पानी के बाद मौसम में आए बदलाव के बाद अंचलवासियों को गर्मी से खासी राहत मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से गर्म हवाओं ने अंचल का रुख कर लिया है जिसके चलते लोग पसीना पसीना होते देखे जा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के ऊपर प्रति चक्रवात बना हुआ है, साथ ही राजस्थान की ओर से गर्म हवाएं आ रही हैं। इस कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अगले 24 घंटे में तापमान और बढ़ने के आसार हैं। राजस्थान के ऊपर बने चक्रवात के कारण शहर में 3 दिन पहले हुई बारिश के बाद ठंडक होने से तापमान गिर गया था, लेकिन इसका असर खत्म होते ही आसमान साफ हो गया है और सुबह से तेज धूप निकली है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को ग्वालियर, चंबल सहित मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और विंध्य के कुछ जिलों में लू चल सकती है। इसका कारण वातावरण में नमी में गिरावट आना, साथ ही राजस्थान की ओर से गर्म हवा आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसलिए ग्वालियर, चंबल संभाग में अप्रैल अंत में 42 डिग्री तक पारा पहुंच सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ग्वालियर, मुरैना, भिंड, सागर, छतरपुर, रीवा, दमोह, खरगोन, बड़वानी और धार समेत आसपास के जिलों में 23, 24, 25 अप्रैल को लू चलने की संभावना है। महाराज बाड़े पर अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस और निगम प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई कर यहां से फुटपाथ कारोबारियों को खदेड़ दिया गया है
और उन्हें कंपू हॉकर्स जोन में भेजा गया है। लेकिन इससे बारे पर फुटपाथ कारोबारियों को जगह उपलब्ध कराने वाले दलालों की कमाई भी बंद हो गई है, जिसके चलते वे अब फिर से सक्रिय होकर पुलिस और निगम अधिकारियों से सेटिंग जमाने में जुट गए हैं। शहर के हृदय स्थल महाराज बाड़े पर आए दिन लगने वाले जाम से निजात पाने और यहां फुटपाथ कारोबारियों और दुकान संचालकों के बीच होने वाली नोकझोंक को बंद करने के लिए जिला प्रशासन निर्णय लिया था कि फुटपाथ कारोबारियों को कंपू स्थित हॉकर्स जोन में शिफ्ट किया जाएगा, जिसके बाद आनन फानन में कार्रवाई कर यहाँ से सभी फुटपाथियों को खदेड़ कर यहाँ नजरबाग मार्केट और सुभाष मार्केट के सामने की सड़क पर बैरिकेटिंग कर दी गई थी, जिसके कारण फुटपाथ कारोबारी यहां सड़क पर नहीं बैठ सके। प्रशासन की सख्ती के चलते यहां फुटपाथ कारोबारियों को बाड़े पर जमीन मुहैया कराने वाले दलालों की कमाई भी बंद हो गई है। ऐसे में अपराधी किस्म के इन दलालों ने एक बार फिर से पुलिस और निगम में अपनी सेटिंग जमाना शुरू कर दी है, जिससे फुटपाथ कारोबारी यहाँ एक बार फिर से व्यापार कर सके। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में सोमवार को छात्रों ने जमकर हंगामा किया। कुलपति कार्यालय के बाहर छात्रों ने नारेबाजी की और कुलपति से ही अपनी बात कहने पर अड़ गए, जिसके बाद यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर बुला लिया गया। दरअसल 3 रोज पहले ही BSc 5वें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। छात्रों का आरोप है कि बड़ी संख्या में छात्रों को फेल किया गया है और मूल्यांकन में गड़बड़ की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन मामले को दिखवावे और छात्रों की कापियां एक्सपर्ट टीचर से चेक करवाए। विश्वविद्यालय में पहुंचे छात्रों ने कुलपति कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। छात्रों से बात करने के लिए कुल सचिव और उप कुल सचिव पहुंचे। छात्रों ने उनसे अपनी शिकायत करने से साफ इनकार कर दिया। छात्र कुलपति से ही अपनी शिकायत करने की बात पर अड़ गए, लिहाजा कुलपति संगीता शुक्ला को छात्रों के बीच आना पड़ा। कुलपति ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि जो रोल नंबर उन्हें दिए गए हैं उसकी जांच करवाई जाएगी और यदि मूल्यांकनकर्ता की गलती निकलती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता शुक्ला का कहना है कि छात्रों की शिकायत को गंभीरता से लिया जा रहा है। एक्सपर्ट टीचर से BSc 5वें सेमेस्टर की कापियाँ जचवाई जाएंगी और शाम तक छात्रों को उनकी शिकायत के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। यदि किसी की गलती निकलती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। BSc BIPSM का अभी कुछ दिनों पहले रिजल्ट आया था तो उसमें देखा गया है कि BSc के अधिकतर मतलब 90% बच्चों के एटी-गेटी दिए गए हैं। 90% बच्चों के, हाँ, उसमें किसी के मतलब फिजिक्स के नंबर ही नहीं चढ़ाए, किसी में केमिस्ट्री के नहीं चढ़ाए, किसी में थोड़ी में, मतलब 90% बच्चों के साथ ऐसा हुआ। अभी जब मैडम परसों 3 दिन पहले हम कंट्रोल साहब से मिलके आए थे, उनको इतनी बड़ी लिस्ट दी थी हमने, कम से कम 20-50 रोल नंबर होंगे उसमें, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आज मैडम से बात हुई है, मैडम ने आश्वासन दिया है कि हम जो रोल नंबर दे रहे हैं उनको दोबारा चेक करवाएंगे, अगर चेक में गड़बड़ी पाई जाती है तो जिन लोगों ने कॉपी चेक की उनके ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसा मैडम ने भी आश्वासन दिया है। 5th सेमेस्टर के बच्चे भी आए थे, वो रिजल्ट को लेकर उनकी कुछ कंप्लेंट्स थी कि रिजल्ट अच्छा नहीं निकला है और काफ़ी बच्चे फेल हैं तो उनका रिव्यू कराया जाए, तो हम लोगों ने जानकारी ली। उसमें 72% तो रिजल्ट है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। 100% रिजल्ट तो कहीं किसी विश्वविद्यालय में नहीं होता और 72% इज़ रीजनेबली गुड। और 14,700 बच्चे लगभग बैठे थे जिसमें से सिर्फ 484 बच्चे ही फेल हैं और फिर भी इन बच्चों ने जो शिकायत करी है, कुछ रोल नंबर हम लोगों ने कहा उनको आप दे दो हम चेक करवा लेते हैं, तो वो भी आज हमने बोल दिया आज एग्जामिनेशन कंट्रोलर को, शाम तक उसको दिखवा लेंगे। तो मेरे हिसाब से तो रिज़ल्ट एकदम ठीक है और जो भी उनको आपत्तियाँ हैं उनका और शाम तक दिखवा के निराकरण कराने की कोशिश कर लें। ग्वालियर में बच्चों की सुरक्षा का दम भरने वाले बड़े बड़े स्कूलों में सुरक्षित स्कूली वाहन संबंधी प्रमाण पत्र तक नहीं है, जिसको लेकर परिवहन विभाग ने CBSE के डिप्टी सेक्रेटरी को पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि CBSE स्कूल खुद उनकी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 1-2 स्कूल को छोड़कर अभी तक किसी भी स्कूल ने RTO से परिवहन संबंधी प्रमाण पत्र ही नहीं लिया है। दरअसल CBSE द्वारा जारी गाइडलाइन के 2nd चैप्टर में यह स्पष्ट निर्देश है कि बच्चों के परिवहन हेतु RTO से परिवहन संबंधी प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है, लेकिन शहर के किसी भी स्कूल ने सुरक्षित परिवहन का प्रमाण पत्र नहीं लिया है। स्कूलों की इस लापरवाही पर हाईकोर्ट भी सख्त हिदायत दे चुका है। अब RTO ने पत्र लिखकर नई दिल्ली में बैठे CBSE के डिप्टी सेक्रेटरी को उन्हीं का नियम याद दिला रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि जब स्कूल उन्हीं के द्वारा बनाए गए नियम को नहीं मान रहे हैं तो जब भी कोई स्कूल दोबारा से नवीनीकरण या स्कूल के लिए नया लाइसेंस लेने आता है तो उनसे बच्चों के सुरक्षित परिवहन संबंधी प्रमाण पत्र मांगा जाए।
यदि वह स्कूल प्रमाण पत्र नहीं दिखा सके तो उसे आगे से स्कूल संचालन की परमिशन नहीं दी जाए। फिर अल्टीमेटली इन सारे स्कूलों के बारे में हम सूची हमने जो इनके श्री डी श्रीनिवासन है दिल्ली में डिप्टी सेक्रेटरी हैं एफिलेशन इन स्कूलों का करते हैं उनको प्रमाण सहित हमने पत्र भेजा है और ये कहा है कि ये जो आपका रूल है इसको आप ही फॉलो कर लो। अगर आपके पास में अगर कोई आगे नवीनीकरण के लिए आता है नया लाइसेंस मांगने आता है तो आप उससे इतना तो कहो कि परिवहन विभाग से इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने का प्रमाण पत्र आपने संलग्न किया कि नहीं किया। जब आपके नियम में है कि वो आपको सबमिट करेगा स्कूल तो उसके बिना सर्टिफिकेट के सबमिशन के हम उसका नवीनीकरण या उसको लाइसेंस क्यों दे रहे हैं या उसको क्यों नोटिस नहीं कर रहे क्यों हमारे नियंत्रण में तो नहीं है स्कूल तो इनको भी लिखा है नहीं अभी लिखा है दो दिन पहले लिखा है हमने तो उस पर जो कार्रवाई होगी तो वो आपको उनका नंबर दे देंगे आप पूछ लेना चार दिन बाद उनसे कि भाई क्या हुआ इस संबंध में क्योंकि आप लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और आप लोगों को भी ये कम से कम बताना पड़ेगा कि भैया बच्चा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम 200-300 रुपये बचा के और 8-10-15 बच्चे ऑटो में बिठा दें कितनी। यहाँ आपको बता दें कि शहर भर में तकरीबन 500 से ज़्यादा CBSE पैटर्न पर स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। स्कूलों में एक सैकड़ा स्कूल ऐसे भी हैं जो स्कूली बच्चों की सुरक्षा और सुविधा के नाम पर मोटी रकम अभिभावकों से वसूल रहे हैं। ऐसे में इन बड़े स्कूलों ने भी अभी तक परिवहन विभाग से सर्टिफिकेट नहीं लिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि इन स्कूलों की नज़र बच्चों की सुरक्षा से ज़्यादा उनसे होने वाले मुनाफे पर टिकी हुई है। बहरहाल अब यह देखना होगा कि पत्र मिलने के बाद CBSE नियम ना मानने वाले ऐसे स्कूलों पर कोई कार्रवाई करेगा या फिर इस पत्र को फाइलों में ही गुम कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनावों के चलते लगी आदर्श आचार संहिता के दौरान इन दिनों व्यापारियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। नकदी के एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाना तो मुश्किल हुआ ही है, वहीं सोना चांदी कारोबारियों को भी बाहर से माल मंगाने में परेशानी हो रही है और कई बार चेकिंग के नाम पर माल जब्त कर व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। ऐसे में सोमवार को चैंबर पदाधिकारियों ने संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर संभागायुक्त को ज्ञापन देकर व्यापारियों की पीड़ा से अवगत कराया जिससे उनकी तकलीफ दूर हो सके। सराफा कारोबारियों के साथ जिस तरह से माल जब्त की जा रही है उसके लिए आज संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में ये कहा है कि अगर इस पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापारी इसको आंदोलन करेगा और ज़रूरत पड़ी तो बाजार बंद करेगा और बहुत ज़रूरत पड़ी तो चुनाव बहिष्कार का भी निर्णय लिया जा सकता है। चुनाव का बहिष्कार करेंगे व्यापारी है और इसको अभिशाप मानेंगे कि ये चुनाव अभिशाप है कि अगर व्यापार नहीं करने दिया जा रहा है आचार संहिता की आड़ में अगर व्यापारियों को परेशान किया जाएगा तो इस तरह के कदम उठाएंगे। माल सारे वैधानिक दस्तावेज होने के बावजूद माल जब्त किया जा रहा है ये प्रमुख समस्या है। हमारा कहना है आप हमारे सारे दस्तावेज चेक करो, आप बताओ जो दस्तावेज हम लेके चलने को तैयार हैं लेकिन आप माल जब्ती ना करें। ग्वालियर के एयरपोर्ट रोड पर रिलायंस जियो कंपनी में काम करने वाले ठेकेदार विजय शुक्ला के कर्मचारी हर्ष चौहान, साहिल जैन और अन्य मजदूरों से बाइक सवार बदमाशों के द्वारा हथियार की नोक पर की गई लूट के मामले में पुलिस ने दो संदेहियों को हिरासत में लिया है। पुलिस को आशंका है कि लूट की इस वारदात में ठेकेदार के कुछ करीबी लोगों का ही हाथ है क्योंकि इससे पहले भी मुरैना में यह मशीनी लूट हो चुकी है जिसकी कीमत 15 लाख रुपए के आसपास है। पुलिस को CCTV फुटेज में तीन बदमाश लूट के बाद भागते दिखे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। कल दिनांक को एयरपोर्ट के पास में ये एक गांव है सेदरी का पूरा, उसके पास में ये जियो कंपनी की लाइन बिछाने काम चल रहा था तो वहाँ उसमें एक मशीन रहती है जो अंडरग्राउंड डिजिटल रहती है DigiTech। तो चार बदमाश आए दो गाड़ियों से और जो ऑपरेटर है हर्ष चौहान उसके हाथ से छीना के वो भाग गए हैं। हाँ चूँकि इसमें जानकारी लगी है कि इनके साथ सेम घटना मुरैना ज़िले में भी हुई है तो वहाँ से भी जो इनके द्वारा कंप्लेन की गई है और डॉक्यूमेंट बुलवाए जा रहे हैं और दोनों का इन्वेस्टिगेशन साथ साथ में किया जा रहा है। अब ये संदेही तो आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा इसमें
और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। कीमत का चूंकि जो ठेकेदार है वो मौजूद नहीं था, उसके ऑपरेटर द्वारा कंप्लेन की गई है और उसके बिल विल पेश नहीं किए गए हैं, तो जैसे बिल पेश करेंगे तो उसमें कीमत का खुलासा हो जाएगा। और अब हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए इंडिया खबर लाइव के साथ। नमस्कार।